दिल्ली को योगी मॉडल की जरूरत। जी हाँ, नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं हरीश असवाल। कहते हैं कि सरकार से बड़ा सरकार का इकबाल होता है। यूपी में योगी सरकार भी इसी फॉर्मूले पे काम कर रही है। खरगोन में दंगे में अपने हाथ जला चुके एमपी के सीएम शिवराज चौहान भी अब योगी की राह पर। मध्य प्रदेश के सीएम ने अधिकारियों को साफ तौर पर बोल दिया कि प्रदेश में भी दंगा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मींस नॉट एट ऑल, शिवराज सिंह के ये सख्त तेवर गृह अधिकारियों के बुलाई बैठक में थे। शिवराज चौहान ने इंटेलिजेंस सिस्टम को और मजबूत करने को कहा। उन्होंने एडीजी से पूछा कि आप इंटेलिजेंस को मजबूत करने का प्लान मुझे कब तक देंगे, दंगों पर कार्रवाई जारी रखें, दबंगों से ली गई जमीन गरीबों को दी जाएगी, आगे भी आने वाले त्योहारों पे परशुराम जयंती और ईद बिना किसी गड़बड़ी के हों, इसके लिए मैदान में डटे रहें। शिवराज सिंह चौहान ने सीनियर अधिकारियों को बुलाकर ऐलान कर दिया, अगर एक भी दंगा हुआ तो फिर छोड़ूंगा नहीं। और मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन लें, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा, मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज। ये गुंडागर्दी करने वाले, दादागिरी करने वाले, गरीबों का शोषण करने वाले, बहन और बेटी की तरफ बुरी नजर से देखने वाले, दुराचार करने वाले, ये समझ लें, एक जमाना था जब मैं मुख्यमंत्री बना था, चंबल के बीहड़ों में डाकुओं की, चारों तरफ डाकुओं का आतंक, तब हमने तय कर दिया था मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक डाकू नहीं बचा, कोई डकैत को बचने नहीं दिए, और आज भी कोई खमरी अकेले का न सोचे, शहडोल में आप देख लो क्या कार्रवाई हुई है, सिवनी में बुलडोजर चलाए, श्योपुर में बुलडोजर चलाए, जावरा में हमने जो मैंने कहा है मकान खोद के मैदान बना दिया। गुंडागर्दी करने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, क्रश कर दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। खरगोन दंगे के बाद हो रही किरकिरी के बीच चौहान ने अपने अफसरों से कहा कि मध्य प्रदेश में किसी कीमत पर शांति भंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी राज्यों की सरकारें अब जान चुकी हैं कि प्रदेश में दंगों तभी रुक पाएंगे जब यूपी में योगी मॉडल को अपनाया जाएगा। यूपी की रणनीति हर प्रदेश में होनी चाहिए, इस बात पर गौर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली की आवाम भी अब जान चुकी है कि दिल्ली को अब योगी मॉडल की जरूरत, क्योंकि योगी में 800 धार्मिक शोभा यात्रा करवाने का दम जो दिखा, एक भी दंगा कहीं नजर नहीं आया। किसी दंगाई की हिम्मत नहीं हुई कि हिंसा के बारे में सोच भी सके, क्योंकि सत्ता संभालने से पहले ही योगी आदित्यनाथ दंगाइयों को सीधी चेतावनी दी थी, यूपी में उपद्रव करेंगे तो भरपाई भी खुद ही करेंगे। योगी आदित्यनाथ का यह मॉडल पूरे देश में लागू होने की तरफ है, तो यकीन नहीं आता तो सुनिए वो पुराना बयान। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है, उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश, यहां दिल्ली के बहुत सारे लोग जाते होंगे हरिद्वार में कावड़ यात्रा में। पहले कावड़ यात्रा में कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है, केजरीवाल के नेतृत्व के जितने भी इनके सहयोगी दल हैं जो इनके लिए वोट मांग रहे हैं, इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं,
इन्होंने कावड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया, डीजे नहीं बजेगा, संघ नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है, इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे, और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं। लोगों ने कहा कि इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही, मैंने कहा देखो भाई भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है, अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। योगी के इस बयान का परिणाम ये तीन सबूत। सबूत नंबर एक, यूपी में 800 शोभा यात्रा निकाली गई लेकिन कोई घटना नहीं। सबूत नंबर दो, योगी को दूसरा फरमान, बिना शपथ पत्र के कोई भी जुलूस यात्रा नहीं निकाली जाएगी। तीसरा परिणाम, दिल्ली में भी बुलडोजर गिड़गड़ाहट सुनाई देने लगी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद अब दिल्ली की आवाम जान चुकी है दिल्ली में फ्री वाली सरकार बल्कि योगी मॉडल ही चाहिए, फ्री की सरकार नहीं। योगी मॉडल का मतलब है बुलडोजर बाबा की सरकार। केंद्र सरकार भी जान चुकी है यूपी का योगी मॉडल ही अब दिल्ली में ही हिंसा की तस्वीरें बदल सकता है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने इसकी जोरों शोरों से पूरी तैयारी भी कर ली है। जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर अभियान चलाया गया मगर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया। इसे देखते ही जहांगीरपुरी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था बनाई जा सके। दरअसल जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हिंसा के आरोपियों को की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया गया। इसके पहले बीजेपी ने भी हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। इससे पहले यूपी, एमपी और गुजरात में इस तरह की कार्रवाई की गई थी। दिल्ली समेत देश के कई शहरों पर अब दंगे की चपेट में थे। सबकी चिंता यही है कि आखिर इस ट्रेंड को लगाम कैसे लगाया जाए। लेकिन देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश शांत है, तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या दंगा रोकने में यूपी में योगी मॉडल ही बेस्ट है? आंकड़े और जमीनी सच्चाई तो इस बात की तरफ इशारा करती है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला तो इस मामले में हिट और फिट रहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। कानून व्यवस्था के मामले में उन्होंने दूसरे के लिए लंबी लकीर खींच दी है। इस हफ्ते उन्होंने राज्य के सीनियर आईएएस और आईपीएस अफसरों को मीटिंग में ली, लेकिन इस बैठक में जिले के डीएम और एसएसपी को नहीं बुलाया गया। योगी ने कहा कहीं भी एक भी पत्थर चला तो खैर नहीं, जबकि लाउडस्पीकर, अजान और हनुमान चालीसा को लेकर यूपी में सांप्रदायिक माहौल गर्म है। मई महीने के पहले हफ्ते में मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व ईद भी है। किसी भी इलाके में कोई भी सांप्रदायिक घटना ना हो इसलिए योगी ने अधिकारियों को बुलाकर उनकी क्लास ले ली। इस बैठक के बाद से ही सभी जिलों के 30 कमेटियां बनने लगी। योगी ने कह दिया है कि जिस थाने में झगड़ा या फसाद हुआ वहां का थानेदार निलंबित होगा। यूपी के मुरादाबाद और मुरादाबाद में भाईचारे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद काबिले तारीफ।
गाजियाबाद में कैंप कर रहे मेरठ के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि दिल्ली से सटे होने के कारण हमारी चिंता बढ़ गई थी, लेकिन गाजियाबाद में बने पीस कमेटी ने भाईचारा दिखाकर जिस कारण मुस्लिम समाज के लोगों ने कई जगहों पर यात्रा पर फूलों का से स्वागत जो किया वो देखने योग्य था। इससे साफ हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब बेहतर कानून व्यवस्था को प्रतीक बनता जा रहा है। वह बुलडोजर बाबा कहलाते हैं। यूपी चुनाव में जीत के बाद से ही उनका ग्राफ बुलंदी पर है। उनके बुलडोजर को लेकर भले ही विपक्ष उनकी आलोचना करता हो, कई राज्यों में बुलडोजर चलने लगा है। एमपी में शिवराज सरकार तो इसी फॉर्मूले पर अपराधियों और दंगाइयों पर कार्रवाई कर चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी दंगा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल चुका है। योगी सरकार के पिछले 5 सालों में यूपी में कोई बड़ा दंगा फसाद नहीं हुआ। योगी जानते हैं कि दंगा होने का मतलब उनकी छवि खराब होना, उस छवि से उनको जो नुकसान होगा वह अलग। यूपी का अब तक का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है। 2013 में मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे हुए और समाजवादी पार्टी के अब तक की इस कीमत को चुकानी पड़ रही है। तब अखिलेश यादव यूपी के सीएम हुआ करते थे, तब से लगातार चुनाव हारते आ रहे। हालांकि जहांगीरपुरी हिंसा पर अब सियासत जमकर हो रही है। हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दावा किया है। उसका आरोप है कि हिंसा का मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार बीजेपी का नेता है। वही बीजेपी आप पर यही आरोप लगा चुकी है कि मोहम्मद अंसार की कुछ तस्वीरें जिनमें वो दोनों पार्टियों के नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में सच क्या है, अभी जांच का विषय है। वहीं दिल्ली के कालकाजी से आपका विधायक आतिशी ने आरोप लगाते हुए मोहम्मद अंसार की बीजेपी नेताओं के साथ कई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। आतिशी ने एक वीडियो जारी किया, चलिए आप भी देखिए। बीजेपी का असली चेहरा पूरे देश के सामने आ गया है। बीजेपी ने जहांगीरपुरी में जो दंगे करवाए उसके लिए उसे पूरी दिल्ली की जनता और पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसारी बीजेपी का नेता है। उसने बीजेपी की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में मुख्य भूमिका निभाई और बीजेपी में सक्रिय भूमिका निभाता है। ये साफ है कि बीजेपी ने दंगे करवाए। बीजेपी दिल्ली वालों से माफी मांगे, बीजेपी गुंडे लफंगों की पार्टी है। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद अंसार को जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी बताया था। इस हिंसा के अगले दिन यानी 17 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अंसार और उसके 4-5 साथी इलाके में हनुमान जयंती पर निकाले जा रहे जुलूस में घुसकर लोगों से बहस करने लगे और उसके बाद ही झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस ने दावा किया कि अंसार और उसके साथी ने जो झगड़ा शुरू किया उसी के कारण इलाके में हिंसा हुई। मोहम्मद अंसार को गिरफ्तार कर जब पुलिस ले जा रही थी तो उस वक्त उसने पुष्पा फिल्म का स्टाइल में कॉपी किया। अंसार के खिलाफ पहले भी अलग अलग मामलों में केस दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने के मुताबिक उसके खिलाफ मारपीट के 2 मामले दर्ज है। उसके अलावा अंसार के खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट में भी केस दर्ज है। उससे पहले कई बार गिरफ्तार हो चुका है तो आदतन दंगा ही माना जाएगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट राकेश अस्थाना ने 18 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनमें से 8 लोगों के खिलाफ पहले से मामले दर्ज है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है जिसमें आधार पर और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। दिल्ली पुलिस की कमिश्नरेट राकेश के मुताबिक क्राइम ब्रांच को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने 14 टीमें बनाई और जो हर एंगल से मामले की जांच करेगी। हिंसा की आग में जनमानस को जो नुकसान हुआ है क्या जांच उसकी भरपाई कर पाएगी? ये बड़ा सवाल उन राजनेताओं से जो हिंसा की आग में सियासत की रोटियां सेकते हैं। तो आज भारत एट नाइन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।